अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से 4 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। ये सभी बच्चे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में SNCU वार्ड में एडमिट थे। एक साथ 4 बच्चों की मौत की खबर सुनकर पूरे अस्पताल परिसर में हंगामा बढ़ गया। घटना रविवार देर रात की है, जहां मृतक बच्चों के परिजनों का आरोप है कि रात में 4 घंटे तक बिजली की सप्लाई न होने की वजह से वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन इसकी कोई जानकारी अस्पताल प्रशासन ने नहीं ली। वहीं मृतक बच्चों के परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों को अस्पताल प्रबंधन ने खारिज कर दिया। अस्पताल में रहे डॉक्टरों का कहना है कि बिजली जाने की वजह से समस्या नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे कलेक्टर कुंदन कुमार ने अस्पताल में वार्ड का दौरा किया और कहा कि बिजली गुल होने की वजह से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। 5:30 से लेके 8:30 बजे तक चार बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें बिल्कुल सही है वो, और उसमें जो बच्चे उसको डीन साहब और अच्छे से बताएंगे। और हम लोगों ने बातचीत की, लोकेशन से बात की, डॉक्टर गौरी थे उनसे भी बात की है, और हमने जानने का प्रयास किया कि क्या उस समय क्या प्रॉब्लम आई थी या क्यों ये समस्या आई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के फ्लक्चुएशन से, बिजली की प्रॉब्लम से वेंटिलेटर में वेंटिलेटर बंद हो गया या वॉर्स नहीं चले, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो अल्टरनेट सिस्टम होते हैं वेंटिलेटर जो होता है उसके उसके साथ एक UPS का भी सिस्टम होता है, तो वेंटिलेटर्स लगातार चल रहे थे, वो ऑलरेडी ऑनलाइन होता है, उसको दोबारा फिर से चेक भी कराएंगे, सेकेंड भी कराएंगे वेंटिलेटर्स पे। क्योंकि आपको जानकारी मैं बता दूं कि 6 बच्चे वेंटिलेटर्स पे थे, और उनमें से 2 बच्चे जो क्रिटिकल कंडीशन में ही बच्चे वेंटिलेटर पे जाते हैं, उनमें से 2 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, लेकिन 4 बच्चे अभी वेंटिलेटर पे हैं, और उनमें से 1 या 2 क्रिटिकल है। क्योंकि वेंटिलेटर पे वही बच्चे जाते हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है, जिनको सांस में दिक्कत होती है या CSD की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे जो मेडिकल कंडीशन होता है। लेकिन अभी उसके अलावा जो 2 बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको 1 तारीख को, किसी को 2 तारीख को एडमिट किया गया था। तो कहीं इस तरह की बात नहीं आई है कि बिजली के जाने से या बिजली की प्रॉब्लम से, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिशियन से भी बात की, जो बिजली का जो प्रॉब्लम हुई थी वो करीब 1:30 बजे के आसपास हुई थी, बीच में लाइट आ रही थी क्योंकि पैनल जल गया था, तो उस समय पैनल को ठीक करने में, उसको डायरेक्ट करने में थोड़ा समय लगा था। लेकिन जो उसका अल्टरनेट बैकअप होता है, जो SNCU के लिए अलग रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। अभी ये प्राइमरी फाइंडिंग्स पता चली, अभी जब हम एक बार टेक्निकल कमेटी बनाएंगे और चीज़ों को और देखेंगे, सारे CCTV के फुटेजेस लेंगे, तो चीज़ों को और सर्टेन कर पाएंगे। अभी मैं जो टीम से बात कर रहा था उसमें मैं एक एक डॉक्टर से भी, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी उनसे भी बात किया है, हमारा जो वेंटिलेटर्स थे दे वर ऑन थ्रू आउट द टाइम। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में 4 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है, इसके लिए विभाग के प्रमुख अधिकारियों को फोन पर तुरंत इसकी जांच के लिए एक टीम गठित करने का आदेश दिया गया है। मैंने CM को इसकी जानकारी दी है, अगर जरूरी होगा तो इस मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, अंबिकापुर MCH अस्पताल से 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी, और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए, और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी, और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा, अभी रोड मार्च से अथवा अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया है। 12:30-1 बजे के बीच में हम लोग यहां से टेक ऑफ करेंगे और अंबिकापुर अस्पताल में जाके वहां की स्थिति का पूरा जायजा लेके जवाबदेहियां तय करके कहां कमियां आई, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी उनकी समीक्षा करके, और आवश्यकता पड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शंस अपनी ओर से दिए हैं। मौके पे जाके हम लोग जानकारी लेंगे, और साथ ही जो भी परिजन अगर होंगे उनसे भी जानकारी लेके कि उनका अनुभव क्या था, क्या उनके मन में बातें हैं, इसके लिए हम लोग तत्काल अंबिकापुर रवाना हो रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में एक साथ 4 बच्चों की मौत की खबर सुनकर हर कोई सकते में आ गया है।
ग्रामीणों ने अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। इस हादसे पर मीडिया के सामने अब तक किसी बड़े अधिकारी ने बोलना जरूरी नहीं समझा। हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश है। इसको देखते हुए अस्पताल परिसर के बाहर और अंदर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।